मुख्यमंत्री पैदल घूम रहे थे अकेले एक्सप्रेसवे पे, और हमारे नेता के पीछे कितना जनसैलाब था आप लोगों ने देखा होगा। एक तस्वीर और वायरल हो रही है अभी बीच में, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने वायरल किए प्रधानमंत्री के साथ, उनको साझा करते हुए नजर आ रहा है। हाँ आप लौट चले, दोनों लोग झोला लेके अपना लौटे, आप लौट चले। भाई सवाल आपसे और है, जिस तरह से कल अखिलेश यादव जी और चाचा में बातचीत हुई है, 100 सीटों पर चाचा ने कहा है कि अगर 100 सीट कम देते हैं तो हम गठबंधन करेंगे, वरना गठबंधन वो हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे उस पर क्या करना है, वो परिवार का मामला नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मगर ये हाईकमान का मामला है ना। हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी है, हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे सर्वा हैं, वो तय करेंगे, वो हम सारे लोग मानेंगे उसको। उन्नाव में जो सीटें होंगी, जो सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी किस मुद्दों पर लड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। हमारे नेता ने इतना विकास किया है, अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार किसान को बताइए, देखिए आप शाहजहांपुर लखीमपुर क्या हुआ, किसानों को गाड़ी से रौंदा जा रहा है, वो केंद्रीय मंत्री है राजमंत्री है क्या है भाई। उन्नाव में इतना विकास किया आपका एक्सप्रेस वे बताइए, हमारे विधायक जी बैठे हैं पूर्व जी, बोलते हैं कि 25 मिनट में कोई जाए खाना लेकर के चला है, लखनऊ से आ जाएगा लेकर के, उन्नाव से शुक्लागंज 4 लेन ट्रांसगंगा मेट्रो, क्या नाम है वो, अरे ट्रामा सेंटर, सारी चीजें आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। रात 4:30 बजे तक हम लोग वहीं पे थे, 4:30 बजे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ पहुंचे, जो जनसैलाब आम जनता आम लोग उसने सिद्ध कर दिया कि 2022 में अखिलेश जी आने वाले हैं, समाजवादी की सरकार आने वाली है। अल्पसंख्यक पूरी तरीके से, अल्पसंख्यक समाज और बैकवर्ड पिछड़ा अगड़ा सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों को याद कर रहा है, सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। 22 के चुनाव में NPR लेके उतर आया तो उठाने आया, हमने आपसे क्या कहा कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उनके कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और सारे लोग उनके कामों को देख रहे हैं, बाकी उसके सिवा क्या। पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी ने जमीन दी, जमीन का अधिग्रहण किया, सब कुछ किया समाजवादी पार्टी में, बजट हुआ आप लोगों को मालूम है, बताने कुछ भी बता दें हम कह दें कि ये हमारा काम है तो उससे कुछ थोड़ी हो जाएगा, सब समाजवादी पार्टी के काम है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे आपका ट्रांसगंगा हो आपके बगल में, आप जानते हैं सारे समाजवादी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के किए हुए काम है।